अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रवे का हलवा बना रही हूँ जो टुकड़ी वाला होगा, यानी उसके पीसेस हम लोग काट सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो रवा या सूजी और 150 ग्राम चार मगज, 2 मुट्ठी किशमिश लिया है मैंने और 1/2 किलो नारियल लिया है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 1/2 किलो काजू है, 1/2 किलो बादाम है, 1/2 किलो गोंद है, गोंद को घी में फ्राई कर लूंगी और 1/2 किलो देसी घी लिया है। अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को किशमिश के अलावा बारीक पीस लूंगी। और शक्कर लिया है 1.5 किलो और इसमें 1 ग्लास पानी डालकर 1 तार की चाशनी तैयार कर लूंगी। नारियल को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लिया है। ये काजू बादाम और 4 मगज है, इसको भी बारीक पीस लिया है। बादाम का छिलका मैंने उतारा नहीं है, छिलका समेत पीसा है। और 1 TSP इलायची पाउडर है और 3 से 4 ड्रॉप्स केवड़े के लेना है। एक बड़े साइज की पतीली ले लिया है और उसमें ये घी डाल के गरम कर दे रही हूँ। ये देखिए घी गरम हो गया है, अब इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इलायची के बाद थोड़ी थोड़ी गोंद को फ्राई कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी डालना है नहीं तो ये सब आपस में स्टिक हो जाती है। देखिए ये जैसी गोंद जाती है घी में तो ये अच्छे से फूलने लगती है, वाइट वाइट हो जाती है अच्छे से। तो ये हो जाए जरा सी गोल्डन, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। गोंद डालकर चम्मच अच्छी तरह चलाते रहें ताकि सब बराबर यूनिफॉर्मली फ्राई हो जाए। और ये देखिए ये होने लगी है, डन हो गई है। तो अब इसको मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। और रवा डालकर भून लेंगे। और रवे के साथ ही ये नारियल भी डाल दूंगी। नारियल की जो भूनने की खुशबू होती है तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है हलवे में। तो इसको रवे के साथ ही डालना है और अच्छी तरह भून लेना है। फ्लेम कभी आप स्लो और कभी हाई रख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू अगर स्लो रखते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और अगर हाई रखते हैं तो फिर जलने का डर होता है। तो भूनते वक्त आपको जैसा महसूस हो कि अब लगने लगा है या लगने वाला है तो उसको स्लो कर लें। इसको मैं जब तक ही भूनूंगी जब तक रवे और नारियल की खुशबू बहुत अच्छी आने नहीं लगेगी। और एक बड़ी सी थाली लेकर उसमें ये घी जो है ऐसे उंगलियों पे लगा के हाथ पे खूब अच्छी तरह उसको ग्रीस कर दीजिए, ताकि हम लोग जब हलवा इसमें सेट करेंगे तो ये बिल्कुल सरफेस पे चिपके ना और आसानी से निकल जाए। रवा साइड में भून रहा है और यहाँ पे चाशनी देख लेते हैं कि 1 तार की आ गई है या नहीं, है ना। ठीक है, और ये देखते हैं, ये देखिए थोड़ी सी जब ठंडी हो जाती है चाशनी तो ही इसमें तार आता है। चाशनी में 1 तार आने लगा है, ये देखिए चाशनी में 1 तार आने लगा है। तो अब हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। चाशनी की गैस मैं बंद कर देती हूँ। रवे को भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो चुका है और इसका हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें मैं जो बाकी के ड्राई फ्रूट पीसे हुए रखे हैं उसको डाल रही हूँ। इसमें काजू है, बादाम है और 4 मगज भी साथ में ही पीसा है। तो अब इसको भी भूनना है, तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट इसको भी भूनेंगे हम लोग। इस दौरान नारियल और रवा अच्छी तरह और भून जाएगा। कितनी देर तक भूनना है इसको? भूनना है कि थोड़ा सा गोल्डन कलर हल्का सा और आ जाए और ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छी तरह भून जाए। इसको भूनने में काफी मेहनत लगती है, आपके कंधे वगैरह दुखेंगे लेकिन जायका तो तभी आएगा। तो इसको कंटिन्यू भूनते रहना है। लगभग 2 किलो का हो गया ये मिक्सचर जो है रवे का, तो काफी मेहनत लगती। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुका है हमारा रवा, तो इंशाल्लाह बस 5 से 7 मिनट की मेहनत और है और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ इसको। देखिए हाथ अगर जरा सा भी रुकता है तो ये फौरन लगने लगता है। इसको अच्छी तरह भून रही हूँ मैं कंटिन्यू। हमारे रवे का मिक्सचर जो है वो गोल्डन होने लगा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। तो अब ये टाइम है कि इसमें चाशनी डाल दी जाए।
और ये 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़े के हैं, ये डाल रही हूँ। केवड़ा हमको बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है। हल्का सा हो तो ही ठीक रहता है। चाशनी को और केवड़े को मिक्स करके बहुत अच्छी तरह चला लें, चलाते रहे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। और फिर हम लोग इसको एक थाली में सेट कर लेंगे। चाशनी डालने के बाद 3 से 4 मिनट में इसको धीमी आंच पे अच्छी तरह चला लूंगी, ताकि रवा और जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसके अंदर मिठास बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर बिल्कुल सेट करते वक्त, मतलब चूल्हा बंद करके, ये जो तली हुई गोंद रखी है ये इसमें डाल के फट से इसको सेट करने रख दिया जाएगा। मैं इसमें गोंद डाल रही हूँ और ये डाल के फटाफट मिक्स करना है, ताकि गोंद जो है वो घुलने ना पाए। ये काम बहुत स्पीड में करना है। और चूल्हा बंद कर दिया है मैंने, बिल्कुल अभी चूल्हा बंद करके इसको फटाफट मिक्स कर देना है। लास्ट स्टेज पे इसको गोंद को मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये गोंद का जो कुरकुरापन है वो बाकी रहे, ये ना हो कि गोंद पकने में घुल जाए। इसको फटाफट डालकर इसको फौरन सेट करने रखना है। इसको डालकर फटाफट आप सेट करने रख दें किसी चीज से, या किसी प्याले के सरफेस से, या हाथ से। और इसके ऊपर फौरन किशमिश भी डालना है। ये देखिए किशमिश डाल दिया मैंने, इसके अंदर चली जाएगी अभी तो, ठीक है सेट हो जाएगी। और इसको खूब जरा सा ठंडा, इसका टेम्परेचर कम हो जाए, अच्छे से इसका सरफेस बिल्कुल प्लेन करना है, ताकि हमारी फांकी बहुत अच्छे से निकल सके। स्क्वायर में जब कटे तो ये बिल्कुल इवनली हो। बॉटम के प्याले को या किसी भी चपटी घर में मतलब प्लेट वगैरह होगी उसको आप ऐसे ऐसे ग्रीस कर लीजिए उसको, और फिर उससे हम लोग इसको सेट करते हैं, क्योंकि हाथ इसके ऊपर नहीं चल पाएगा, ये बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर ज्यादा है। इस तरह से इसको लेवल करना है, ये देखिए इस तरह से दबा दबा के, ताकि ये खूब अच्छे तरह अंदर टाइट होके सेट हो जाए। थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हो गया, काबिले बर्दाश्त हो गया, ये देखिए। तो हम लोग फटाफट ये जो साइड्स है इसकी, इसको फटाफट ऐसे से दबाना है, ताकि ये कटने के बाद है ना ये किनारा निकले ना, नहीं तो ये यहाँ से टूटने लगता है हलवा। तो इसको ये देखिए ऐसे खूब अच्छी तरह से दबा दीजिए। अब ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, ये देखिए चारों तरफ से। अब मैं इसको सेट होने के लिए रख रही हूँ, और थोड़ी देर में इंशाल्लाह आधे से 1 घंटे के दरमियान ये ठंडा भी हो जाएगा और अच्छी तरह सेट भी हो जाएगा। फिर इसके पीसेस काट लेंगे हम लोग, फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ। हलवे को सेट होने के लिए मैंने आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था, और ये हल्के हल्के देखिए कट लगाया था। तो अब इसको वापस से मैं अच्छी तरह, क्योंकि ये सेट हो चुका है, तो अब अच्छी तरह लगा के हलवा देखती हूँ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर हल्के हल्के कट हम लोग फौरी नहीं लगाएंगे तो हलवा जो है वो कड़क होके टूटने लगेगा। 2 इंच स्क्वायर की पीसेस निकाल रही हूँ मैं, आप चाहे तो किसी भी शेप में या डायमंड शेप में भी निकाल सकते हैं। रखने के लिए, क्योंकि स्क्वायर शेप आसान होता है किसी भी कंटेनर में, इसलिए मैंने इसका 2 इंच स्क्वायर काट लिया है, ये देखिए। अब देखते हैं इसको निकाल कर, ये देखिए हलवा मैंने डिश आउट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स और गोंद की वजह से ये काफी न्यूट्रिशन वाला हो गया है। आप इसको रोजमर्रा के यूज में भी रख सकते हैं, मैं तो रोज के लिए ही रखती हूँ। और आप इसको कम से कम 20 से 25 दिन के लिए किसी सूखे कंटेनर में रख सकते हैं, या आराम से चलेगा। बस ये ध्यान रखें कि उसमें गीला चम्मच या गीला हाथ या नमी ना लगने पाए, नहीं तो हलवे में फंगस पकड़ लेगा। मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें।